एजुकेशन एक ऐसी चीज है दैट कैन लिटरली ट्रांसफॉर्म लाइव्स. और ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है इस कैटेगरी में. सो वी आर रियली एक्साइटेड टू अनाउंस द विनर्स इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी जिसका नाम है एजुकेशन. ये अवार्ड्स देने के लिए इस कैटेगरी में अब हम दावत देना चाहेंगे द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ के इलेक्ट्रिक सादिया दादा को. द विनर इन दिस कैटेगरी इदारा तालीम व आगही फॉर देयर प्रोजेक्ट चलो पढ़ो बढ़ो. इस अवार्ड को यहाँ पे रिसीव करने के लिए फ्रॉम इदारा तालीम व आगही दावत देना चाहेंगे सहरिश फारूक को. ये एक ऐसा इदारा है जिसने टारगेट किया हुआ है खुसूसन उन बच्चों को जो स्कूल नहीं जा सके हैं. ऑन बिहाफ ऑफ ITI आई वुड लाइक टू थैंक KE फॉर हैविंग दिस प्लेटफॉर्म ऑफ KE अवार्ड्स. शहर तुमसे ही चलता है जिसकी वजह से वी आर हेयर रिसीविंग दिस अवार्ड. अवर CEO बिलर जमील कुडंट बी हेयर टूडे बट शी हैज सेंड स्पेशल थैंक्स टू द जूरी एंड कराची टीम KE टीम. अब हम चलेंगे हमारे अगले विनर की तरफ एंड वी आर रियली रियली एक्साइटेड टू हैव देम हियर ऑन स्टेज विद अस. ऑरेंज ट्री फाउंडेशन की तरफ से हम दावत देंगे उमर मतीन साहब को हु इज द CEO. ऑरेंज ट्री फाउंडेशन का जो मेन मकसद है वो ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो कि काबिलियत रखता है कि अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेजेस में जा सके, वो किसी भी रंग नस्ल का हो, किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड का हो, तो ऑरेंज ट्री फाउंडेशन का मेन एम है कि वो जो गैप एक वाइडन होते जा रहे हैं उस गैप को हम फिल करें और उन बच्चों को अच्छे मेयारी तालीम मुहैया कर सकें. हमारे जो अगले विनर्स हैं दे मेक श्योर दैट ऑल द किड्स हैव एन आईटी, यू नो, एक्सेस टू एन आईटी लैब, टैबलेट्स, स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें उसके पास मौजूद हों. हम बात कर रहे हैं जी द डेवलपमेंट एंड लिटरेसी ऑर्गेनाइजेशन की जिनका प्रोजेक्ट दिल औरंगी प्रोजेक्ट को वी'd लाइक टू यू नो एक्नॉलेज ओवर हियर. फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन हम दावत देंगे कैरोलाइन शैरन फारिया को. प्लीज अगर आप स्टेज पर आ जाएं प्लीज. थैंक यू. Our organization, Developments in Literacy, DIL for short, it's better known as DIL. We've been working since 1997 in the field of education and we run schools primarily for girls and these are all in very remote locations. So the only so-called urban project that we have is right here in Orangi Town, Karachi, which again is a very low-income, marginalized population. And we try our best to provide quality education at very, very subsidized rates. And most of our children, in fact, 25% study free of cost. मैं यहाँ पे दावत देना चाहूँगी नास खान को, who is the Chief Strategy Officer with K Electric. और हमारी अगले विनर इन द कैटेगरी ऑफ एजुकेशन एक ऐसा इदारा जिसकी एक वाकई साख है. हम बात कर रहे हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की IBA की और आज इस अवार्ड को यहाँ पे रिसीव करने के लिए तशरीफ ला रही हैं द डायरेक्टर ऑफ अलमनाय मलाहा टवान. पाकिस्तान का ओल्डेस्ट बिजनेस स्कूल जिसने क्रीम ऑफ लीडर्स प्रेजेंट की है जो कि पाकिस्तान के हर इदारे हर शोबे से आज मुंसलिक हैं.